राजस्थान का सियासी घमासान सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। राजस्थान के स्पीकर सीपी जोशी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुबह 11 बजे सुनवाई होगी। सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस ने जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस किशन मुरारी की बेंच का गठन किया है। राजस्थान के स्पीकर सीपी जोशी ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। स्पीकर ने राजस्थान हाईकोर्ट के उस आदेश को दी है चुनौती, जिसमें कोर्ट ने 24 तारीख तक सचिन पायलट और उनके खेमे के 18 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने की बात कही है। सीपी जोशी ने कहा है कि स्पीकर के पास कारण बताओ नोटिस देने का पूरा अधिकार है, और इस बीच सचिन पायलट कैंप की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है कि उनका पक्ष सुने बिना सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी ना करे। इस वक्त डॉक्टर सीपी जोशी जी हमारे साथ में हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना पड़ा? कानून बनाने का काम पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट ने डिस्क्वालिफिकेशन का कानून बनाया, सुप्रीम कोर्ट पर उस पर चर्चा हुई, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने फैसला दिया, डिस्क्वालिफिकेशन का अधिकार स्पीकर को रहेगा और जब तक स्पीकर किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं करे तब तक कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, और उसके बाद यदि कोर्ट को लग को जाए तो कोर्ट उसमें जुडिशियल कोई इशू हो तो उसके बारे में डिस्कस कर सकता है। कोई भी फैसला 92 से लगाकर आज तक ये नहीं आया जिसमें शो काज नोटिस की स्टेज पर इस तरह की स्थितियां बनी कि जब कानून ये कहता है, हिंदुस्तान में जितने कानून के फैसले आए हैं अलग अलग स्टेज के, उसमें ये डिस्क्वालिफिकेशन का अधिकार जब स्पीकर को है तो इस प्रक्रिया को पूरी होने से पहले कोर्ट में इस तरह की स्थितियां बन रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्यों बन रही है मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन ये स्थितियां बन रही है दुर्भाग्यपूर्ण है, और यदि ये स्थितियां बनती है और स्पीकर अपने जो उसको कानून अधिकार मिला उसका उपयोग करेगा तो कहीं ना कहीं आगे जाकर ऐसा लगता है कि जो दो अलग अलग इंस्टीट्यूशन है कौन से उनके अंदर टकराव नहीं हो,